by young generation is facing threat to their future lives. The students of 7 and 8 are coming on the stage. आज मुझे पहले ही ऑफिस से देर हो रही है, ऊपर से बस भी नहीं आई, लगता है मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब अलग कर बस नहीं आई? नहीं, लगता है बस लेट है आई। तो मेरा अल्लाह ही मालिक है, लगता मैंने ध्यान नहीं लगन लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मुल्क का निजाम धर्म भरम हो चुका है, किसी भी चीज में वक्त की पाबंदी नहीं रही। सुबह वक्त पर यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकला था, लेकिन लगता है आज ये बस देर करवाएगी। हाँ जनाब, मैं भी सुबह घर से नौकरी की तलाश में निकला था, अब क्या पता नौकरी मिलती भी है या नहीं। हमारे मुल्क का निजाम रोज बरोज बिगड़ता जा रहा है, अब तो ब्लैक वाटर ने भी इस्लामाबाद में 250 घर खरीद लिए हैं, और तो और इनके इलाके में हम मुसलमानों का जाना भी मना है। सर सुना है ब्लैक वाटर जिस भी मुल्क में जाती है इसको दीमक की तरह चाट जाती है। हाँ आपने सही सुना है, ब्लैक वाटर जिस मुल्क में जाती है इसको खा जाती है और इसकी कौम को जलील कर देती है। तुसी बिल्कुल दुरुस्त आख्या, असी पाकिस्तानी होने दे नाते अपने पैर ते आपू कुल्हाड़ी मारने हैं, फिर चीखने हैं या अल्लाह साडे नाल के हो गया। ओ यार बस आ गई है। अच्छा जी बस आ गई है। यार लगता है आज बस बहुत ज्यादा भरी हुई है। कोई बात नहीं, हम दूसरी बस का इंतजार कर लेते हैं। बैठो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जनाब गरीब होने की वजह से मुझे तालीम छोड़नी पड़ी, लेकिन मैं पढ़ना चाहता था। तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? जनाब वो फौत हो चुके हैं। अब तुम क्या करते हो? जनाब नौकरी की तलाश में हूँ, घर के हालात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी वालदा साहिबा बहुत सख्त बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। क्या तुम बहुत से पैसे हासिल करना चाहते हो और साथ में तुम्हारे घर वालों को भी बहुत से पैसे मिले? जनाब वो कैसे? आओ मेरे साथ। हेलो, दिस इज माई न्यू फ्रेंड। वेलकम वेलकम माई न्यू फ्रेंड, प्लीज सिट हियर। अब मैं आपको इस जिंदगी का मकसद बताऊंगा। इस जिंदगी का मकसद ऐश और आराम है, और ऐश और आराम सिर्फ पैसे से मिलता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बगैर जिंदगी का कुछ मजा नहीं है। इंजॉय योर लाइफ। जनाब इस दौर में इतना ज्यादा पैसा हासिल करना आसान काम है। हम आपको इतना पैसा देंगे कि आपकी कई नस्लें भी इस पैसे से ऐश और आराम करेंगी। इफ यू हैव मनी यू कैन गेट एवरीथिंग। दुनिया की तारीख में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और रहती दुनिया तक आपका नाम जिंदा रहेगा। पैसे की बदौलत आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। पैसा हासिल करो, चाहे किसी भी तरीके से हासिल करो, और पैसे को ही आज से अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। अब आप प्रॉमिस करो क्या आप हमारे मिशन में हमारे साथ हो? हम प्रॉमिस करते हैं, हम आपके साथ हैं आपके मिशन में। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े स्कॉलर, फिलासफर और रिसर्चर निकलते हैं। यह यूनिवर्सिटी मजहब इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही है। सो वी वांट टू डिस्ट्रॉय, इसको सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं, और इस तबाही के बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी कई नस्लें भी ऐश करेंगी। अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करना हमारा मेन टारगेट है। पहले उतारी अब ये जैकेट पहन लो और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में चले जाओ। अगर तुम्हें कोई दाखिल ना होने दे तो जबरदस्ती कुछने की कोशिश करना, वरना खुद को उड़ा देना। ठीक है, गुड बाय माय फ्रेंड्स। Yeah.
धमाकेदार बम। यार रात को मैंने खबरों में सुना है कि बलूचिस्तान में एक खुदकुश बम धमाका हुआ है जिसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। यार हमारी कौम आज इस दुराए पर आ खड़ी हुई है कि हम अपने ही हाथों अपने भाइयों के गले काटते जा रहे हैं। हाँ यार अब तो हमें घर से निकलते हुए भी डर लगता है, पता नहीं हम जिंदा वापस घर जाएंगे भी या नहीं। यार ये ड्रोन हमले क्या होते हैं जो आजकल बलूचिस्तान में हो रहे हैं? ये ड्रोन हमले अमरीकी जासूसी तैयारे होते हैं जो पायलट के बगैर रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल किए जाते हैं। ये वहाँ पर बमबारी करते हैं जहाँ पर दहशतगर्द छुपे होते हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, ये एक बैरूनी हथकंडा है जो मुसलमानों को तबाह करने के लिए है। ये ड्रोन हमले कहलाते हैं। यार ये हमारे दुश्मन है जो हमें निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। हाँ यार अब तो इस बात के शवाहिद भी मिल चुके हैं कि ये कार्रवाइयाँ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और अमेरिका ही करवा रहा है और यही हमारे असली दुश्मन हैं जिन्होंने शुरू से ही हमारी आज़ादी को तस्लीम नहीं किया। यार ये कौन है, हमने तो पहले से कभी नहीं देखा, चलो पूछते हैं। अफसोस टांगे उठा बस्तियां राख हुई है लेकिन किस पे इल्जाम धरे, जलने वालों में ही शामिल हैं जलाने वाले। मरने वाले हो जहां, मारने वाले हो वहां, कौन बतलाए कहां जुल्म हुआ किस पे हुआ किसने किया। तेरे भर दोष है सब जहन दिखाने वाले, सुर्खिये खून से मुबर्रा अब कोई दरमा नहीं, अब यहाँ जालिमो मजलूम की पहचान नहीं। हमारा मजहब इस्लाम एक मुकम्मल जाते हयात है, कुरान हदीस सुन्नत नबी किस जगह पर ये दर्ज है कि मुसलमान अपने भाई का खून बहाकर शहादत का रुतबा हासिल कर सकता है। इस्लाम दुश्मन अनासिर मुसलमान का भेष बदल कर सरजमीन पाकिस्तान के साथ साथ हमारी सोचों पर भी तसल्लत कायम कर रहा है। जरूरत इस अमर की है कि हम उनके नापाक अजायम को खाक में मिला दें।